जी शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे आप लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि गुरु जी ये बता दीजिए कि विवाह में जो मिट्टी लाते हैं उसका मुहूर्त क्या है, किस दिशा से लानी चाहिए। यानी हर महीने तो विवाह होते रहते हैं, यानी किस मास में किस दिशा से मिट्टी हमको लानी है, किस दिन लाना है, किस मुहूर्त में लाना है, कौन से नक्षत्र होने चाहिए, ये हमको पता होना चाहिए। प्रश्न आपका ठीक था कि गुरु जी इसके बारे में मुझे बता दीजिए। तो आज मैं आप लोगों को यही बताऊं कि विवाह जैसे कार्य हो रहा है उसमें जो मिट्टी लाते हैं देवी देवताओं के लिए, जो चूल्हा वगैरह बनाया जाता है तो उसके मंडप के नीचे भी रखा जाता है, तो मिट्टी जो लानी है वो किस दिशा से लानी है, कब लानी है, तो इसके बारे में आज आपको बता रहा हूँ। आप लोग जो है आराम से सीखें। मुहूर्त में प्रकरण में ये विवाह संबंधित ये प्रश्न है आपका, तो देख लीजिए। जैसे हमको मिट्टी लानी तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हमारे विवाह के मास कौन से हैं। आपको पता है कार्तिक है, अगहन, माघ, फागुन, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये हमारे पास 7 महीने हैं जिसमें विवाह संस्कार होते हैं। अब इन 7 महीने में हमें किस महीने में कहाँ से लाना है इसकी जो गणना करते हैं वो सूर्य के अनुसार होती है। विवाह में ध्यान रखना, नोट कर लीजिए आप लोग कि विवाह में खाद यानी खुदाई करना, क्योंकि हम जो भूमि खोदते हैं उसे इसे खाद खुदाई कहते हैं, उसके जो यानी मिट्टी लाने की जो विचार हमें करना है वो हमें करना है। तो किस मास में हम किस दिशा से मिट्टी लाएंगे पहले आप नोट कर लीजिए। इसी तरह चार्ट बना लेना कि विवाह मास हमारे पास, पहले आप मास नोट कर लो। सूर्य का जो भ्रमण काल होता है, सूर्य जो भ्रमण करता है हर राशियों में, वो आप नोट कर लीजिए कि सूर्य जो है वृक, मिथुन और कर्क राशि में, जब सूर्य है वृष राशि में, मिथुन राशि कर्क राशि में भ्रमण कर रहा हो तो कहाँ से मिट्टी लाएंगे, नैर अग्नि कोण से लाएंगे, यानी पूर्व दक्षिण की दिशा में हमें खुदाई करनी चाहिए, उस दिशा में उनको खुदाई करनी। इसी प्रकार जब सूर्य कुंभ, मीन और मेष राशि में भ्रमण कर रहा है तो खुदाई हम किस दिशा से लाएंगे, खुदाई करेंगे वो नैऋत्य दिशा में, दक्षिण पश्चिम में खुदाई करेंगे। इसी तरह जब सूर्य हमारा वृश्चिक, धनु और मकर राशि में भ्रमण कर रहा है उस समय वायव्य कोण में उसकी खुदाई होगी, और जब हमारा सूर्य जो है सिंह, कन्या और तुला राशि में भ्रमण कर रहा है तो खुदाई कहाँ होगी, ईशान कोण में। पहले समझ लो कि हमारे विवाह के मास, इनमें विवाह के मास हमको कौन से मिले। जब सूर्य वृक्ष, मिथुन, कर्क में भ्रमण कर रहा है तो यहाँ वृष राशि क्या है, जेठ का महीना, और मिथुन में जब सूर्य भ्रमण कर रहा है तो वो होता है आषाढ़ का महीना। यानी हमारे पास विवाह के 2 मास हमको मिल गए यहाँ पर, जेठ और आषाढ़। इसी प्रकार जब सूर्य कुंभ, मीन, मेष में भ्रमण कर रहा है तो यहाँ विवाह के मास कौन कौन से हैं, कुंभ के भ्रमण करने फागुन का महीना है, मेष में भ्रमण करें बैसाख का महीना है। जब विवाह हमारा संस्कार फागुन या बैसाख के मास में हो रहा है, अब समझ लो कि जब हम जेठ या आषाढ़ में किसी की शादी पड़ रही है बच्चे की, तो जो मिट्टी वो लाएंगे वो अग्नि कोण से लाएंगे। अग्नि कोण मतलब पूर्व दक्षिण दिशा से मिट्टी लाएंगे। जेठ आषाढ़ में किसी की शादी पड़ रही है उनको मिट्टी किस दिशा से लानी, पूर्व दक्षिण से लानी। इसी प्रकार जिसका विवाह जो फागुन बैसाख में हो रहा है, क्योंकि कुंभ में भ्रमण, मेष का भ्रमण हो रहा है सूर्य का, यानी फागुन बैसाख में किसी की विवाह संस्कार हो रहा है, वो नैऋत्य कोण से लाएगा, अर्थात दक्षिण पश्चिम से मिट्टी लाएंगे खुदाई करके, देवी देवताओं के लिए जो बनाना है चूल्हा या मंडप के नीचे लगानी है मिट्टी, वो कहाँ से लाएंगे, दक्षिण पश्चिम दिशा नैऋत्य कोण से लाएंगे। इसी प्रकार वृश्चिक का सूर्य क्या हो रहा है, अगहन का महीना, माघशीर्ष जिसे आप कहते हैं, अगहन का महीना और ये माघ का महीना, यानी अगहन और माघ के महीने में मिट्टी कहाँ से लानी है, वायव्य कोण से लानी है, यानी पश्चिम उत्तर दिशा से लानी है। इसी प्रकार विवाह का संस्कार जब सूर्य भ्रमण करेगा सिंह, कन्या, तुला में, तो इसमें विवाह का मास कौन सा है, केवल तुला का, तुला में कौन सा महीना, कार्तिक का, जब देवउठान के आसपास शादी होती है तो कार्तिक का महीना होता है, उसमें जो मिट्टी हमको लानी होती है वो ईशान कोण से लानी है, यानी उत्तर पूर्व दिशा से मिट्टी लानी चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया कि कार्तिक के महीने में ईशान कोण से, अगहन और माघ के महीने में वायव्य कोण से लानी मिट्टी,
फागुन बैसाख में नैऋत्य कोण से लानी है, जेठ आषाढ़ में अग्नि कोण से आपको मिट्टी लानी है, खोद करके उनको ये बता सकते हैं मुहूर्त में। फिर उसके बाद आप क्या देखोगे, शुभ दिन। शुभ दिन आपके पास मैंने आपको बताया हुआ है, शुभ दिन हमारे पास होते हैं सोमवार, सोमवार बुध, बुधवार हो, गुरुवार हो, गुरुवार और शुक्रवार हो, शुक्रवार हो। अब ये देखना है कि हमको लानी कब है, जब विवाह संस्कार जिस दिन है आपका, उससे 4 या 5 दिन पहले आप देख लेंगे कि शुभ दिन हमारा ये सोम बुध बृहस्पति शुक्र कब पड़ रहा है, यानी विवाह संस्कार से चौथे या पांचवें दिन, चौथे पांचवें दिन आप ये देख लें कि ये शुभ दिन हमको किस दिन मिल रहे हैं, यानी सोम हो, बुध हो, गुरु है, शुक्रवार है, ये शुभ दिन हमको कब मिलना है। अब आज का ये है कि फिर आपसे वो प्रश्न करेगा कि गुरु जी हम किस समय मिट्टी लाएं, अगर वो दिन में करना चाहता है, अगर मिट्टी दिन में लाना चाहता है, अगर वो दिन में लाना है चाहता है तो उसको आप बता देंगे अभिजित मुहूर्त, उसको आप कौन सा मुहूर्त बताएंगे, अभिजित, अभिजित मुहूर्त आपको बताया रखा मैंने कि 11:35 से 11:35 से 12 यानी 40 मिनट का होता है तो 25, 12:15 तक, 12:15 तक, इसमें आप मिट्टी ओलाने जा सकते हैं। या आप ये कह सकते हो गौधिल मेला, अगर वो शाम को करना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग गौधिल मेला में ही करते हैं, लोग औरतें जो खाली होती हैं कोशिश वो करती हैं गौधुली, ज़्यादातर लोग गौधुल मेला को ही पसंद करते हैं, या गौधुली में, गौधुली जब सूर्यास्त हो रहा है गौधुल मेला में वो मिट्टी ला सकते हैं। ये 2 मुहूर्त आप बता सकते हो, या तो आप गौधुल मेला में ले आइए, या ये अभिजित मुहूर्त होता है दिन में 11:30 से लेकर के 12:15 तक का जो टाइम है आप इसमें भी ला सकते हैं। तो ये इस तरह से आप लग्न बता दोगे कि इस समय आपको मिट्टी लानी है। वार आपके पास हो गया, ये 4 वार हैं, सोम है, बुध, ये वार देख लीजिए, ये आप टाइम बता देंगे और देख लेना कि चौथा पांचवें दिन में कौन सा शुभ वार पड़ रहा है, ये आपकी लग्न हो गई। अगर आप नक्षत्र देखना चाहते तो विवाह के नक्षत्र भी आप लोग देख सकते हो। विवाह के नक्षत्र आप लोगों को पता ही है, जैसे आपका कृतिका है, वृषरा है, रोहिणी है, तीनों उत्तरा है, माघा है, मूल नक्षत्र है, श्रवण है, धनिष्ठा है, रेवती है, तो ये जो नक्षत्र हैं विवाह वाले जो शुभ नक्षत्र हैं हमारे, ये नक्षत्र भी अगर पढ़ रहे हों तो अति उत्तम। कोशिश आप करो कि अच्छे शुभ नक्षत्र हों, ये लग्न इतनी चीज़ आप बता दोगे कि भाई ये लग्न हो गई, ये वार हो गए, चौथा पांचवा दिन आप विवाह संस्कार से देख लीजिए, उस दिन वो मिट्टी ला करके अपने देवी देवताओं के लिए जो चूल्हा बनाते हैं चूल्हा वगैरह बना सकते हैं, मंडप स्थापना करते हैं तो मंडप के नीचे लगाते हैं मिट्टी लोग। तो हमें जो मिट्टी इसमें कह रहा है मतलब ये है कि मिट्टी खोदने मतलब है कि इसमें हम विचार किसका करते हैं, इसमें विचार किया जाता है राहु मुख का, कि जिस दिन हम मिट्टी लेने जा रहे हैं इसी को राहु मुख भी कहते हैं, कोई कालमुख कहता है, कोई शेष की चाल कहता है। कहने मतलब जब आप मिट्टी खोदने गए अपने मकान से जिस दिशा में आप जा रहे हैं, आपने खुदाई करी, वहाँ मान लो राहु का मुख हुआ, राहु के मुख पे आप खुदाई करेंगे तो वंश का नाश कर देगा, पूंछ पे करेंगे तब भी धन की हानि करा देगा, इसीलिए हमेशा इसके पीठ पर खुदाई को की जाती है। कि जो मैंने आपको वीडियो बना रखा है राहु और शेष चाल के बारे में, मैंने वीडियो बना रखी है विवाह मुहूर्त के बारे में, उसे आप लोग देख लेना, उसमें मैंने आपको इस तरह से राहु काल के कैसे देखा जाता है उसका विचार मैंने आपको बता रखा है। और भी किसी प्रकार किस तरह की कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को मुहूर्त से संबंधित है, बिल्कुल आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूंगा। अब कोशिश मेरी यही रहती है कि आप लोग सीखें अच्छा से वीडियो, आप जो ज्योतिष सीखें, चाहे वो मुहूर्त संबंधी हो, चाहे कुंडली बनाना हो, चाहे जन्मपत्रिका से संबंधित हो, घटना संबंधी हो, या प्रश्न कुंडली संबंधी हो, किसी प्रकार की आपको कोई शंका नहीं करनी है। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं बेखटके पूछें, वो मैं आपको समझा दूँगा।
वीडियो देखने के लिए। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।